क्या रजिस्टर्ड विल को प्रोबेट कराना कंपलसरी है? इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, जैसा हम सब जानते हैं कि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ना हो, और यूजुअली विल ऐसे व्यक्ति ने की होती है जो कि ऑलरेडी ही इज़ नो लॉन्गर इन द वर्ल्ड, तो कल को अगर कोर्ट में जाकर कोई आदमी इसको चैलेंज करता है विल को, तो आपके पास प्रोबेट का अगर ऑर्डर है ऑलरेडी उस विल के रिस्पेक्ट में, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसका प्रोबेट का मतलब है कि आप किसी भी विल की जेन्युइनिटी को टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट में जाते हैं और उनके सामने वो डॉक्यूमेंट रखते हैं, और कोर्ट उन विटनेसेस को और उन सारे सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करता है जिनमें वो विल बनाई गई थी, और फिर वो एक सर्टिफिकेट देता है एक तरह से कि ये विल जेन्युइन है। उसका फायदा ये होता है कि कल को अगर कोई भी आदमी उस विल को चैलेंज करना चाहता है, तो दैट प्रोबेट ऑर्डर कैन गो अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग इट फॉर फास्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट विल। तो इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये सेक्शन 276 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत आपको प्रोबेट ऑर्डर मिलता है। दूसरा, आपको कोर्ट फी जो है उसकी प्रॉपर्टी जितनी भी इन्वॉल्व है उसकी जो सर्कल रेट होता है उसके हिसाब से सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट प्रॉपर्टी वैल्यू यू हैव टू पे एज द कोर्ट फी। उसके बाद आपको कोर्ट प्रोबेट देता है आफ्टर एग्जामिनिंग विटनेसेस एंड ऑल्सो इशूइंग नोटिसेस टू ऑल द लीगल हेयर्स, यानी जो भी आपके वारिस रहे हैं उस बिल में, उन सभी वारिस को कोर्ट में बुलाया जाता है और उनसे भी पूछा जाता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। बट अगर हम इसकी बात करें कि ये कंपलसरी है या नहीं, तो सपोजिंगली अगर किसी डिसीज्ड के 5 आगे जनरेशंस में लीगल हेयर्स हैं और उनको आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है और सबकी क्लैरिटी है, तो बिना प्रोबेट के भी वो आपस में डिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर्टी का एज पर दी मैंडेट गिवन इन द विल। तो आपको ये कंपलसरी नहीं है दैट यू नेसेसरली हैव टू गो टू कोर्ट टू गेट इट प्रोबेटेड, बट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग और नॉन क्लैरिटी ऑन एनी पॉइंट, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर प्रोबेट। गेट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस विद LawRato.com. Hit subscribe on our YouTube channel and click the bell icon to receive notifications. You can also follow our Facebook page and get the latest posts in your newsfeed. जिनकी turnover 50 lakhs से कम, 50 crores से, और अगर आप taxpayer थे तो आपने time to time अपनी returns जो file की, और transactions क्या होती है, लोग क्यों करते हैं, और उसकी क्या सजा है और क्या repercussions